Dear students, today we will do brain teasers of unit number 9. First question is, take the correct answer. Which of the following is a proper fraction? आपको fractions बताना है कि इनमें से कौन सा proper fraction है. तो proper fraction कौन सा होता है? जिसका numerator की value जो है वो छोटी होती है denominator से. तो this is the first one, 17 upon 19. बाकी के ये जो तीनों हैं 15 upon 14, 13 upon 9 and 18 upon 17. They all are improper fraction because यहाँ पर numerators की value बड़ी है denominators से. तो जो हमारा answer होगा वो होगा option number 1. उसके बाद है fraction whose numerator is greater than denominator. तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? बी पार्ट में आपका आंसर होगा एम प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. तो आप थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे. 7 × 1/5, इसको अगर हम मिक्स नंबर में ये मिक्स नंबर है और इसको हमें इम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35 एंड 1 = 36. तो ये जो होता है ये यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है तो 36/5. तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. आफ्टर दैट डी पार्ट, टेक द मिसिंग न्यूमरेटर. तो हमारा यहाँ पर है 3/13 इज इक्वल टू, हमें न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है, डिनोमिनेटर इज 78. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 13 है, यहाँ पर 78 है. तो 13 × 6 = 78. तो अब आपने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो अब आप न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18. तो हमारा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू 3/7. तो 3/7 के इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन नहीं है? तो 6/14 इसके इक्विवेलेंट है. कैसे है 6/14 कैसे आता है इक्विवेलेंट के? क्यों हमने कहा? क्योंकि 7 × 2 = 14 तो 3 × 2 = 6. तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/14. फिर इसके ऊपर 3/7 जो है उसके इक्वल 30/70. हम सेकेंड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं अब. तो 3 × 10 = 30 और 7 × 10 = 30, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारी राइट आंसर नहीं है. इसके बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन है, हमें कहा 3/7 क्या इक्वल है 12/20 के? तो हमने देखा 3 × 4 = 12 एंड 7 × 4 = 28 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 20. मतलब ये 3/7 जो है वो 12/20 के इक्वल नहीं है और हमें नॉट इक्विवेलेंट ही निकालना. तो हमारा आंसर हो जाएगा 12/20. इसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स. 5/6 इज अ डैश फ्रैक्शन. आपके न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसके बाद 3 × 1/7 इट इज अ मिक्स्ड नंबर. मिक्स्ड नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 × 1/7 तो ये नेचुरल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. 19/7 इज एन डैश फ्रैक्शन. दिस इज इम्प्रॉपर क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ा है. और 1/8, 1/3, 1/16 आर डैश फ्रैक्शंस. दे आर यूनिट फ्रैक्शंस. जब न्यूमरेटर 1 होता है जिनका, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. और यूनिट्स, जितने भी यूनिट फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन भी होते हैं. देन फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं दे आर लाइक फ्रैक्शंस. जैसे हम लिख सकते हैं 11/15, 7/15, 3/15. तो डिनोमिनेटर सबका सेम है और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 3, राइट, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो आपका ए पार्ट है जैसे थर्ड क्वेश्चन का 2/6, 4/12, 6/18 और आपको फर्दर यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस निकालने हैं. तो आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको फिल करने हैं तीनों के यहाँ पर. तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 एंड 2 × 6 = 12. अब नीचे 6 का टेबल चल रहा है, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 एंड 24, देन 30 एंड 36. तो आप देखिए
टू का टेबल चल रहा है न्यूमरेटर में और सिक्स का टेबल चल रहा है डिनोमिनेटर में. ओके इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट. थर्ड का बी पार्ट है 1/8, 2/16, 3/24 और आगे के तीन इक्वल फ्रैक्शंस हमें और निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो अगर आप ऊपर देखें तो 1 का टेबल चल रहा है 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 6 ज़ा 6. और नीचे 8 का टेबल 8 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 48. तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. देन क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट है 8/9 इज इक्वल टू 72 एंड आपको न्यूमरेटर निकालना है. तो 9 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 9 8 ज़ा 72, तो 8 8 ज़ा 64. तो ए का आंसर आपका क्या आ गया, 64. इसी तरह से बी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है. इसके बाद सी और डी में से मैं एक पार्ट आपको सी पार्ट बता देती हूँ, डी आप खुद करेंगे, ठीक है. सी पार्ट है 45/54 इज इक्वल टू 5/4. तो अब देखिए यहाँ पर जो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, यहाँ 45 है न्यूमरेटर और यहाँ वैल्यू न्यूमरेटर की 5 होगी, मतलब हमने डिवाइड किया, वैल्यू कम हुई है ना. तो अब हमें कैसे पता चलेगा 45 को हम किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए, तो हम 5 का टेबल रिसाइट करेंगे. 5 के टेबल में 45 कब आता है, 9 जाते, मतलब हमने 9 से डिवाइड किया. तो यहाँ 54 को भी आप किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से. तो 9 से जब आप डिवाइड करेंगे 54 को, तो 9 6 ज़ा 54, तो हमारा यहाँ पर आंसर 6 आ जाएगा. तो आप इसके रिमेनिंग बी और डी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है. एंड देन कंप्लीट द पैटर्न. तो 1/4, 1/16, 1/64. आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, देखिए 1 1 ज़ा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1, मतलब ऊपर दोनों जगह 1 आएगा. और नीचे का पैटर्न क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. अब 64 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256. तो यहाँ पे आ जाएगा 256. उसके बाद 256 को आप दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप दोबारा इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1024. क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, 1024. आप इसको रफ में करके देखिएगा मल्टीप्लाई. तो दिस इज हाउ ए पार्ट होगा. अब हम करेंगे बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है, 1 1 को हम लिख सकते हैं 1/1. ओके तो पैटर्न क्या है, यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8. इसी तरह से अब 8 को दोबारा आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 ज़ा 16, और 16 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 2 ज़ा 32. अंडरस्टूड? तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है कि आप न्यूमरेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई, हमने पैटर्न क्या देखा कि न्यूमरेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32. और नीचे का पैटर्न क्या है, आप 3 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 आ रहा है. अब 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81, एंड अब आप 81 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243. ओके तो आप बी पार्ट में क्या कर रहे हैं कि न्यूमरेटर्स को आप यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज द पैटर्न. आपको पैटर्न पहचानना है और फिर उसको फॉलो करते हुए अपने आंसर्स निकालने हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट दिस ब्रेन टीजर्स ऑफ यूनिट नंबर 9 इन योर मैथ्स फेयर नोटबुक.